आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों आज हम फिर से एक बार स्वीट डिश लाई हूँ जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रिसमस की स्पेशल लड्डू रेसिपी। ये दोस्तों दो ही चीजों से बनाएंगे हम। ये मैंने मिल्क लिया है और ये मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं। तो ये मैं चॉकलेट लड्डू बनाऊंगी, ये मैं ओरियो बिस्किट से बनाऊंगी। ये दोस्तों बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं और खासकर ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। ये बड़े बच्चे कोई भी खा सकते हैं लेकिन बच्चों की खासकर फेवरेट रेसिपी है। तो ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं बिस्किट को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करूंगी। ये मैंने बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इनका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं और दूध की जगह आप क्रीम भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें दूध हमने थोड़ा सा सादा लिया है, यानी थोड़ा सा कुसा सा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। दूध एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि बैटर हमारा गीला हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्रीम होती है तो इसमें खोआ या मावा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना इसमें घी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमें गीला लग रहा है तो इसलिए हम बैटर और मिलाएंगे इसमें थोड़ा। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा बैटर और डालती हूँ और इसको अच्छे से चम्मच से दबा दबा कर इसको मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें मीठा भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रीम में पहले से ही मिठास होती है। अगर आपको लगे टेस्ट करने के बाद कि मीठा डालने की ज़रूरत है तो आप इसमें शुगर पाउडर थोड़ा सा मिला सकते हैं। ये लड्डू का बैटर बिल्कुल हमारा रेडी है और अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है और ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम हाथ को हल्का सा चिकना करेंगे। चिकने करने के बाद हम इसमें से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और बैटर उठाने के बाद इसको हल्का सा इस तरह हम दबा लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको हम गोल आकार देंगे, लड्डू का आकार देंगे और ये लड्डू हमारा बन के तैयार है। तो दोस्तों मैंने ये नारियल का बुरादा लिया था, इसमें लड्डू को हम कोट कर देते हैं गार्निश के लिए। अगर आपको नारियल का बुरादा पसंद नहीं है तो आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको कोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखा हमारा लड्डू कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं। आगे क्रिसमस आने वाला है तो आप अपनी फैमिली और बच्चों के लिए इस तरह के लड्डू जल्दी और झटपट बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के तैयार करती हूँ। देखिए हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और चॉकलेट बिस्किट से लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। ये बच्चे बड़े कोई भी बना सकते हैं और दोस्तों ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आई होप, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।